नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि टाइप्स ऑफ रोड में पेमेंट के हिसाब से दो टाइप के रोड होते हैं, एक रिजिड पेमेंट वाला और दूसरा फ्लेक्सिबल पेमेंट वाला। अभी ये फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, ये दोनों क्या है और ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट का एक एग्जाम्पल देखो, बिटुमिनस रोड या फिर अस्फाल्ट रोड। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है वो एक टाइप का कॉम्बिनेशन से एग्रीगेट और बिटुमिन, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हीटिंग करके, प्रॉपर मिक्सिंग करके एक ग्रेन्युलर लेयर के ऊपर बिछाया जाता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में बिटुमिनस मटेरियल का सरफेस फोर्स रहता है और उसके नीचे बेस फोर्स और सब बेस फोर्स रहते हैं। अरे फ्लेक्सिबल पेमेंट में बिटुमिनस सरफेस फोर्स रहता है और उसके नीचे बेस फोर्स और सब बेस फोर्सेस रहते हैं। और बिटुमिनस मटेरियल जो है जनरली मेनली ऑफन अस्फाल्ट जैसा रहता है, इसका विस्कस इन नेचर रहता है और वो एकदम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए अलाउ करता है। अभी मोर अलग अलग जो भी अस्फाल्ट सरफेस जो रहते हैं वो मेनली ग्रेवल के ऊपर ही उसको ले किया जाता है। अभी उसका डेप्थ या फिर जो भी उसका लेयर है वो अलग अलग हिसाब से रहता है। अभी मेनली सब ग्रेड के ऊपर रहता है या फिर फुल डेप्थ अस्फाल्ट का अपने डिजाइन के हिसाब से रहता है। अभी इधर एक स्केच है, इस स्केच में आप देख सकते हैं, सबसे पहले नेचुरल सब ग्रेड है, उसके ऊपर कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड दिखा रहा है, इसमें एक रेफरेंस के लिए दिए 150 to 300 mm का। उसके बाद ये सब बेस कोर्स है जो 100 to 300 mm का है, उसके ऊपर है बेस कोर्स है जो 100 to 300 mm का है, उसके बाद है बाइंडर कोर्स जो 50 to 100 mm का है, और ये बाइंडर कोर्स के ऊपर है प्राइम कोट मारा जाता है, प्राइम कोट ले किया जाता है। उसके बाद है सरफेस कोर्स या फिर 25 to 50 mm का, और उसके लिए टैग कोट मारा जाता है या फिर टैग कोट ले किया जाता है, और एक सरफेस कोर्स के ऊपर में लास्ट में सील कोट किया जाता है जो फिनिशिंग कोट बोल सकते हैं उसको। अभी हम बात करेंगे रिजिड पेमेंट की। रिजिड पेमेंट में भी सीमेंट कंक्रीट या फिर रेनफोर्स को कंक्रीट स्लैब से किया जाता है। इसमें कुछ ग्राउटेड कंक्रीट स्लैब्स, कंक्रीट रोड्स जो भी है वो भी, और उसके साथ ही सेमी रिजिड पेमेंट में जाने जाते हैं। इसका डिज़ाइन जो रहता है रिजिड पेमेंट का वो मेनली प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सीमेंट कंक्रीट स्लैब, मतलब सीमेंट कंक्रीट स्लैब का प्रोवाइड करना है, उसके हिसाब से ऐसा स्ट्रेंथ आना चाहिए जब टू सफिशेंट स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट लोड ऑफ ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक का जो भी लोड है वो सस्टेन करने के लिए वो सीमेंट कंक्रीट स्लैब का डिज़ाइन किया जाता है। इधर एक स्केच में आप देख सकते हैं, नीचे सब ग्रेड है, उसके ऊपर सब बेस कोर्स है, उसके ऊपर बेस कोर्स है और उसके ऊपर कंक्रीट पेमेंट है। अभी हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट का एग्जाम्पल आप बिटुमिनस रोड देख सकते हैं और रिजिड पेमेंट का एग्जाम्पल कॉन्क्रीट रोड या फिर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। अभी सबसे पहला पॉइंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट का इनिशियल कॉस्ट है वो लो रहता है जबकि रिजिड पेमेंट का इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जॉइंट्स की जरूरत नहीं है जबकि रिजिड पेमेंट के लिए जॉइंट्स रिक्वायर्ड है, जॉइंट्स की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का ड्यूरेबिलिटी कम है, लेस है, जबकि रिजिड पेमेंट का ड्यूरेबिलिटी हाई है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए एक अच्छा सबग्रेड की ज़रूरत होती है जबकि रिजिड पेमेंट के लिए ऐसा अच्छा सबग्रेड की जरूरत नहीं रहती, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए स्ट्रेस वेरिएशन नॉट अफेक्टेड बाई वेरिएशन इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की वजह से जो भी स्ट्रेस वेरिएशन होता है उसका कुछ अफेक्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट को नहीं होता, जबकि स्ट्रेस वेरिएशन अफेक्टेड बाय वेरिएशन, इसमें टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से जो भी स्ट्रेस वेरिएशन होता है उसका अफेक्ट रिजिड पेमेंट पे होता है। इस वक्त फ्लेक्सिबल पेमेंट का लाइफ स्पैन है शॉर्टर है, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 15 years के आसपास है, जबकि रिजिड पेमेंट का लाइफ स्पैन है अप्रॉक्सीमेटली 30 years का है। फ्लेक्सिबल पेमेंट ईजी टू रिपेयर है जबकि रिजिड पेमेंट से टफ टू रिपेयर है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है जबकि रिजिड पेमेंट का मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती
जबकि रिजिड पेमेंट के लिए क्यूरिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए नाइट विजिबिलिटी, जैसे रात में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो रात में इसका विजिबिलिटी है वो अच्छा नहीं रहता, जबकि रिजिड पेमेंट के लिए वो नाइट विजिबिलिटी अच्छी रहती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो सनलाइट की वजह से जो ग्लेयर या फिर चमक रहता है उसका असर नहीं होता है, फिर ज़्यादा ये नहीं रहता, जबकि रिजिड पेमेंट के लिए वो हाई ग्लेयर रहता है ड्यू टू सनलाइट। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो भी अंडरग्राउंड वर्क्स है, पाइपलाइन वर्क्स है, जो भी कुछ यूटिलिटी वर्क्स है, उसको लोकेट करना आसान रहता है, जबकि कंक्रीट रोड में ये जो यूटिलिटी या फिर पाइप वर्क है उसको लोकेट करना, अंडरग्राउंड वर्क का लोकेशन करना बहुत मुश्किल रहता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस ज़्यादा रहता है, जबकि रिजिड पेमेंट के लिए थिकनेस कम रहता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिज़ाइन जो भी है वो सबग्रेड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है, जबकि रिजिड पेमेंट का डिज़ाइन है वो सबग्रेड के ऊपर डिपेंड नहीं है। अभी फ्लेक्सिबल पेमेंट का स्टेबिलिटी डिपेंड अपन एग्रीगेट, इंटरलॉकिंग पार्टिकल, फ्रिक्शन एंड कोहिजन। जब इसमें जो हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं उसका इंटरलॉकिंग, उसके साथ ही जो कोहिजन, ये सब के ऊपर उसका स्टेबिलिटी डिपेंड है। रिजिड पेमेंट के लिए इसका स्टेबिलिटी जो स्लैब के जॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए हम IRC 37 रेफर करते हैं, जबकि रिजिड पेमेंट के लिए हम IRC 58 रेफर करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।